बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ड्स एंड बिहेवियर बाय अल्डोस हैक्सले जो है वो लास्ट लेक्चर है जी, हमारा फिफ्थ पार्ट है जी। आखिरी पॉइंट देखते हैं जी क्या है। रियलिटी इज़ द सक्सेशन ऑफ कंक्रीट एंड पर्टिकुलर सिचुएशंस। अब ये पर्टिकुलर सिचुएशंस का नाम होता है, कंक्रीट सिचुएशंस का नाम होता है जिसको हम रियलिटी कहते हैं। अब कोई भी रियलिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे इधर जो है वो एक बंदा जो है वो चोरी करते हुए पकड़ा गया है जी, कि उसने एटीएम कार्ड जो है वो चोरी कर रहा था एटीएम मशीन से, वहाँ से उसकी बकायदा रिकॉर्डिंग मिली है। अब कुछ बंदे कहते हैं कि वो एबनॉर्मल था, तो अब पुलिस वालों ने जो है वो उसको छानबीन की है और उसको मारा है और फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है वो मर गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये मर्डर है, अब ये एक रियलिटी है। अब पुलिस डिपार्टमेंट कहता है कि ये एक नेचुरल डेथ है, तो उसको हार्ट अटैक हुआ है, अब ये रियलिटी है। एक कहता है मर्डर है, एक कहता है नेचुरल डेथ है, हमारे पास ये रियलिटीज़ हैं। रियलिटी इज़ द सक्सेशन ऑफ कंक्रीट एंड पर्टिकुलर सिचुएशंस। अब यहाँ पे सिचुएशंस क्या थी? पहले जो है उसने कार्ड निकाला जिसकी वीडियो बनी, वो एक सिचुएशन है। फिर उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया, ये एक सिचुएशन है। फिर उससे इन्वेस्टिगेशन की गई, ये एक सिचुएशन है। तो ये क्या है? सक्सेशन। सक्सेशन जो है क्या है? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा इवेंट। जैसा कि मिस्टर चिप्स के अंदर, जब मिस्टर चिप्स जो है वो ब्रुकफील्ड स्कूल में जाता है तो वहाँ पे मिस्टर वेदरबाय होता है जो कि हेडमास्टर होता है, और फिर वो मर जाता है और फिर उसकी जगह दूसरा आता है, तो ये सक्सेशन है। मिस्टर मेल्ड्रम जब आता है तो वो सक्सेसर है किसका? वेदरबाय का। इसी तरीके से एक इवेंट के बाद दूसरे इवेंट का आना, ये कहलाता है सक्सेशन। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। तो रियलिटी भी वो कहता है इज़ द सक्सेशन ऑफ कंक्रीट एंड पर्टिकुलर सिचुएशंस। जैसा कि कोई स्टूडेंट जो है वो पास हो जाता है बीए से, तो ये एक रियलिटी है। अब ये क्या है? कंक्रीट सिचुएशंस कि सक्सेशन का नाम है कि बंदा एक साल दो साल जाके स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, फिर उसने पेपर दिए हैं, फिर उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है, फिर जाके वो पास हुआ है, तो ये सक्सेशन ऑफ इवेंट्स है। तो यही तो वो बात करता है, हर रियलिटी की एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है, सक्सेशन ऑफ इवेंट्स होती है, सिचुएशंस होती है। इन सच सिचुएशंस वी शुड यूज़ कंक्रीट वर्ड्स नॉट एब्स्ट्रैक्शंस। तो वो कहता है कि हमें बिल्कुल कंक्रीट किस्म के वर्ड्स यूज़ करने हैं जो कि एज इट इज़ मीनिंग दे इस बात का, एब्स्ट्रैक्ट नहीं यूज़ करने। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पाकिस्तान में और ख़ास करके पंजाब के अंदर एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जी, पूरी दुनिया में भी जब कोई बंदा फेल हो जाता है तो उसको कहते हैं सप्ली। अब सप्ली जो है उसकी एक शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है SUP सब। अब उस सब की जो है वो एक पंजाबी के अंदर एक वर्ड लिया जाता है जो पंजाबी में वो बनता है सब स्नेक। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट वे से बात करते हैं, एक बंदे का रिजल्ट आया तो उसको पूछते हैं जी, हाँ भाई क्या बना? तो आगे से स्टूडेंट कहता है, ओ एक सप लड़ गई। अब ये टोटली एब्स्ट्रैक्ट है। अब एक सप लड़ गई, इसका मतलब ओ हो एक सपली आ गई। अब दूसरे स्टूडेंट से पूछता है तो वो आगे से कहता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मनु कोई सांप नहीं लड़िया, तो मतलब फुल पास। तो वो कहता है कि इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट किस्म की बातें नहीं करनी, कंक्रीट किस्म की बातें करनी हैं जब आप किसी भी रियलिटी को फॉलो करने जाते हैं। तो फिर आगे वो क्या कहता है? कहता है अगर हम कंक्रीट वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे बल्कि हम एब्स्ट्रैक्शंस यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा? अदरवाइज वी विल थिंक इनकरेक्टली। तो फिर हमारी सोच, हमारा मीनिंग जो हम ड्राइव कर रहे हैं वो सारे का सारा इनकरेक्ट हो जाएगा, बंदू को समझ ही नहीं आएगी और रियलिटी जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। आगे क्या कहता है? वी यूज डायबोलिकल एब्स्ट्रैक्शंस फॉर कंक्रीट पर्संस। अब होता क्या है कि इस दुनिया में कंक्रीट पर्संस हैं तो उनके लिए क्या क्या डायबोलिकल शैतानियत वाले नाम रखे जाते हैं, एब्स्ट्रैक्शंस रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोदी के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है गुजरात का कसाई जिसने मुसलमानों को ज़िबा कर दिया था। इसी तरीके से कोई इंतहाई बेवकूफ़ बंदा हो तो उसके लिए एब्स्ट्रैक्शन यूज़ की जाती है यहाँ पे खोता। तो खोता जो है वो प्रॉपर जो है
एब्स्ट्रैक्शन है यहाँ पे कंक्रीट बंदे के लिए। फिर वो कहता है ये चीज़ें लिंग्विस्टिक एरर्स होती हैं, हम लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वी एट्रीब्यूट ईविल पर्सनैलिटी टू अवर एनिमीज personified as devils। और फिर कहता है वी एट्रीब्यूट, हम ये जो नाम देते हैं एट्रीब्यूट करते हैं मंसूब करते हैं ईवल पर्सनैलिटी, ये एक घटिया किस्म की पर्सनैलिटी, शैतानियत वाली पर्सनैलिटी, और किसको, टू अवर एनिमीज, हमारे जो एनिमीज हैं। कोई बंदा जो है वो बड़ा चलाक हो तो हम आगे से उसको कहते हैं ओहो उसकी बात तो ना करो, वो तो है ही लूमड़ी, मैं तो बड़ा वड्डा लूमड़ जे, मैं तो बच के रवि हो, तो इसलिए हम ऐसे भी यूज़ करते हैं। आगे वो क्या कहता है, कहता है वी रिप्रेजेंट एज अकर्स्ड क्लास, हम उसको यूज़ करते हैं अकर्स्ड क्लास के तौर पर। अकर्स्ड कहते हैं लानती, क्लास कहते हैं तबका, ग्रुप, कैसे, कैपिटलिस्ट्स, कैपिटलिस्ट सरमायादार। अब हमारे इधर जो है वो मियां मंशा साहब हो गए, मलक रियाज साहब हो गए, जो भी वो पैसे वाला बंदा है तो हम उसके लिए टर्म यूज़ करेंगे ये कैपिटलिस्ट है, सरमायादार है, इसके पास पैसा है। फिर हम यूज़ करेंगे लिबरल्स, अब जो दीन से टोटली साइड पे हो गया हुआ है और जिसकी सोच जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और कुरान पाक को फॉलो नहीं करती तो हम उसको लिबरल्स कहते हैं। तो वो कहते हैं इससे तो बात ही ना करो दीन की, ये तो लिबरल ही है। फिर जो है वो आगे से कहता है कोई बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, डिक्टेटर है, जुल्म करने वाला है तो हम उसको कहते हैं फैशिस्ट, फैशिज्म, ये बंदा जुल्मो जबर करने वाला है। जैसा कि कोई डिक्टेटर हो, कोई फौजी हुक्मरान हो जो कि कब्ज़ा कर ले किसी हुकूमत पर, तो हम उसको कहते हैं ये फैशिस्ट है। कम्युनिस्ट जो कि चाइना में है तो वो क्या कहते हैं, वो हकीकत में बड़े स्ट्रिक्ट हैं, वो कहते हैं कोई भी बंदा जो है हाँ वो बादशाह है, हाँ वो वज़ीर है, हाँ वो कोई गरीब है, वो एक ही जगह से खाना खाएगा, उसके बच्चे एक ही जगह पे एक ही स्कूल पे पढ़ेंगे, एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, तो सब जो है मुसावात बराबरी, और फिर कोई भी मालिक नहीं होगा किसी भी ज़मीन का, किसी भी प्रॉपर्टी का, सिर्फ़ और सिर्फ हकूमत गवर्नमेंट ही उसकी मालिक होगी। तो कोई बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो तो उसके लिए फिर ये टर्म यूज़ की जाती है कि वो कम्युनिस्ट है। फिर यीड्स, यीड्स जो हैं वो एक डेरोगेटरी किस्म का, एक तज़हीक आमेज़ किस्म का, हद तक आमेज़ किस्म का फिक्रा था, लफ्ज़ था जो कि जर्मन यूज़ के लिए वो इस्तेमाल किया जाता था, तो डेरोगेटरी किस्म का कि जी ये तो छोड़ दें, जैसा कि इंडिया के अंदर लफ्ज़ अछूत, ये तो अछूत है, दलित, दलित एक कास्ट है जिसको वो कहते हैं कि हमने इसको मुँह नहीं लगाना, ये बड़े ही थर्ड क्लास किस्म के हैं। तो खैर वो कहता है फिर इसी तरीके से हंस, हंस जो हैं वो खूनहार भेड़ियों की तरह थे, वो लोग थे जिन्होंने चौथी पाँचवीं सदी के अंदर यूरोप पे हमला किया और उसको तहोबाला कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, तो फिर उसको बोला जाता है कि ये हंस हैं। तो वो कहता है कि इनको इंसानों की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता इन नामों को, बल्कि अपने मकासद के लिए जो है ये इनको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है एब्स्ट्रैक्शंस के तौर पे। इसके साथ साथ कहता है कि हम इनको इंसानों की तरह पेश नहीं करते बल्कि ये वर्मन हैं, कीड़े हैं, वर्स डैमन, ये घटिया किस्म के जो है वो शैतानी किस्म के लोग हैं। तो ये कह रहा है इसको जो वी रोब देम ऑफ देयर पर्सनैलिटी टू कंसील रियलिटी, हकीकत में जो बंदा पर्सनैलिटी हकीकी है हम उसको उस असल पर्सनैलिटी से छीन लेते हैं रियलिटी को छुपाने के लिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल गुजरात का जो कसाई है वो अपने फैमिली के लिए तो कसाई नहीं है, लेकिन मुस्लिम लोग जो हैं उसको अब कहते हैं कि वो गुजरात का कसाई है, मुदी है, कंसील रियलिटी, रियलिटी को छुपाने के लिए। जैसा कि कोई बंदा जो है वो बेवकूफ़ है तो उसको बोला जाता है कि डंगर, हमारे इधर तो नाम भी इसी तरीके से रखे जाते हैं, ओ शाना खोता, अब शाना खोता हकीकत में खोता तो होता नहीं है। तो वो कहता है हम उनकी असल पर्सनालिटी को छीन लेते हैं उनसे। डिक्टेटर्स यूज मोर पर्सोनिफाइड एब्स्ट्रैक्शंस दैन पर्संस फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, अब जो डिक्टेटर्स होते हैं, डिक्टेटर्स में जो है वो नॉर्थ कोरिया का किम जोंग डोंग, अब वो जो है वो अपनी कौम से जब खिताब करता है, जैसा कि एक दफ़ा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो है वो एक वर्ड यूज़ किया था सफ़ेद हाथी, सफ़ेद हाथी का लेटर आया है मुझे, ख़त आया है मुझे, तो वो कह रहे थे अमेरिका को,
तो ये इस तरीके से डिक्टेटर्स जो हैं, हो सकता है आजकल किम जोंग डोंग भी कोई नाम देता हो कि ट्रंप का जो है वो मुझे फ़ोन आया है। अब वो उसको सफ़ेद हाथी भी कह सकते हैं, काला बिल्ला भी कह सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। तो वो कहता है अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी आवाम को जोश दिलाने के लिए ये कहा जाता है। तो वो कहता है ये सब कुछ जब यूज़ करते हैं तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। दे थिंक दे कैन रूल इफेक्टिवली। अगर वो इस तरीके से लैंग्वेज यूज़ करेंगे, वर्ड्स एंड बिहेवियर, तो वो कहता है आगे से जो हमारी आवाम है वो बिहेव हमारी मर्ज़ी के मुताबिक करेगी। आगे लास्ट पे एक मॉरल लेसन दे गया है अल्दोस हक्सले। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। कहता है टू थिंक करेक्ट इन कंडीशन ऑफ बिहेविंग वेल। कहता है अगर आप अच्छा सोचते हैं, आपके दिमाग में अच्छी सोचें हैं, तो आप बिहेव भी अच्छा करेंगे, और अगर आप अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो आपकी सोचें अच्छी हैं। इज़ अ मॉरल एक्ट। और वो कहता है ये हकीकी मानों में एक बहुत ही शानदार अमल है। तो उसने जो है वो इसको लास्ट पे हमें मॉरल लेसन दे दिया है कि प्लीज़ ढंग का सोचें और फिर ढंग का बिहेव करें। पर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा सवाल जो है वो हमने करना है, तो ये बड़ा एब्स्ट्रैक्ट किस्म का है, तो इसलिए हमने इसकी समरी करनी है। समरी, ठीक है, समरी से ही बाकी सारे सवाल हम चुन चुन के कर लेंगे। ये जो वीडियो के अंदर हमने पॉइंट्स बनाए हैं, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ इन पॉइंट्स को कर लें, ज़हन नशीन और लिखने का फ़न सीख लें, तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं पॉइंट्स से सारे के सारे सवाल कर सकते हैं जो भी आपके पेपर में आते हैं। यह था जी आज का हमारा लेक्चर, वर्ड्स एंड बिहेवियर बाय अल्दोस हक्सले।